आयुर्वेद को मानने वाले हो, ये देर में आराम करता है लेकिन देर तक आराम करता है। शुरू शुरू में लगता भी आयुर्वेदिक दवाई है और ये आराम नहीं करेगी, लेकिन वो देर तक आराम करती है, परमानेंट करती है। अपनी सरकार ने आपके नेतृत्व में पिछले पानी को लेकर के, चाहे जो है ना, जितनी मेरे यहाँ राक्षी नदी है, सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया करोड़ों रुपए की लागत से, रिचार्जिंग के लिए अभी भी सीजन से पहले, रेनी सीजन से पहले सारे की खुदाई हो जाएगी, और भी आपने सारे सरकारी बिल्डिंग के अंदर वाटर रिचार्जिंग, कोई भी हुडा के हाउसिंग बोर्ड पे जो भी मकान बनते हैं, चाहे पुलिस कारपोरेशन बनाती है, बिना वाटर रिचार्जिंग के उसके अंदर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं हम लोग देते हैं। पूरे हरियाणा के हर गांव के अंदर जो खुले नल चलते हैं उसमें भी आपने टूटियां लगवाने का काम किया, पंचायत के माध्यम से भी और महकमे के भी माध्यम से। मेरा सुझाव ये है, मुझे बड़ी इतनी प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं पानी को लेकर बहुत काम करता हूँ, मुझे जल पुरुष भी कहते हैं, मैंने पानी बचाओ यात्रा बहुत काम किया, मैं अब डिस्कस नहीं करना चाहता। जल पुरुष भी कहते हैं धनखड़ जी में, जल पुरुष। मैंने पानी बचाओ यात्रा ई रिक्शा से की, मैंने पानी बचाओ यात्रा ई रिक्शा से की है। तो मेरा सुझाव मोटा मोटा हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मेरी बड़ी इच्छा, मैंने बहुत काम किया है। तो उसमें एक तो अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा भी पानी का डिब्बे में लेकर के ब्रश करेंगे तो पानी कम लगेगा, 1 लीटर लगेगा, नहीं तो वाशिंग मशीन चलता रहता है। और जैसे सिस्टर लगवाएंगे हम जो है ना, यूरिनल लगवाएंगे, पानी बचता है। लेकिन अगर इस संदर्भ में बात करें हम लोग, एक तो क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ज्यादा इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ तो 42 मीटर से भी ज्यादा वाटर टेबल है मेरे यहाँ तो, पीपली का भी और बमैन का भी। तो इसमें मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो बरसाती मक्का है इसकी यील्ड कम है, तो एक तो DSR का मैंने चर्चा आपसे की थी, डायरेक्ट सीड राइस, वो अपने अधिकारियों से बात कर लेना सर जी आप, अगर वो धान लग जाए तो पानी उसमें कम लगेगा। दूसरा जो कलर की जमीन है उसमें गन्ना अच्छा हो जाता है हमारे यहाँ खूब, उसके अंदर मारकंडे की रेत डाल डाल करके वो अच्छी कर लिया। अगर उसमें बरसाती मक्का नहीं भी होता, उसमें गन्ने के लिए अपने को प्रोत्साहन करना चाहिए, और अवेयरनेस के लिए हम लोग भी संगोष्ठियाँ करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से, और अपने अधिकारियों के 8 ही ब्लॉक हैं, कोई ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं है, तो पूरा एकदम आक्रमण करना है अपने को, पूरा प्रवचन जैसे मर्जी कहें लोगों को समझाने का। तो एक और सुझाव मेरा था, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है, हम हर घर के अंदर जो गांव में पशु हैं सब पानी के पाइप लेकर के इतना चलाते रहते हैं जैसा उसके अंदर बढ़ेगा पानी, पानी का बहुत वेस्ट जाए, गाड़ियों का पानी का, गाड़ी धोते हैं, मोटरसाइकिल धोते हैं। उसके लिए मेरा सुझाव ये था, हमारे यहाँ पौंड सारे पानी के भरे हैं, ओवरफ्लो है, तो उस पौंड के अंदर एक रिटेनिंग वाल अलग से बने, और से वो रिटेनिंग वाल बनने से वो जोहड़ का पार्ट अलग हो जाएगा, 1 कनाल का, 1.5 कनाल का, जो आधे कनाल का, तो पानी उसके अंदर स्वच्छ पानी होगा, बरसाती पानी होगा या ट्यूबवेल का होगा, उसमें सेप्टिक टैंक का पानी होगा, तो जितनी भी। हाँ जी, हाँ जी, पानी बचाने के बहुत से हाँ 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 मैं आपसे पहले बता रहा था आपसे। हाँ जी, बिल्कुल, और इसमें उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में रुपया लग भी गई है। हाँ जी, बिल्कुल, खुला पानी भी ना चले इसका लिए अभियान चल रहा है, लेकिन ये सारे विषय अलग 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 है। डीएसआर की बात कही है, हाँ जी, डीएसआर पद्धति के ऊपर बहुत जागरूकता किसानों में पैदा होती जा रही है, लेकिन डीएसआर पर वो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन डीएसआर तो 2 साल से कोशिश हो ही रही है, इसमें भी होगी, लेकिन डीएसआर में पानी 20% कम लगता है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो कम से कम 70% 80% पानी बचेगा, 100 से 80% आएगा, आना पड़ता है दूसरी फसल आपको तो उसमें 20-25% ही लगेगा, 70-80% बचेगा, इसलिए धान में जितना पानी लगता है ये कल्पना ही करना बड़ा, यानी कई बार तो बिल्कुल सियारा उठती है, इतना पानी धान में पा जाते हैं, धान को बिजाई करने में बहुत पानी खपता है। मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ लगती है जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, डीएसआर का मैं बताना चाहता हूँ आपको, केवल एक बार शुरुआत की थी, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई इसकी मशीन आई यहाँ पर, और डीएसआर लगाने से जितना मक्का को पानी जाएगा उसमें उतना ही पानी जाएगा जी, बिल्कुल ज्यादा नहीं जाता जी, उसमें जो समस्या।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। और मेरा पानी मेरा विरासत, हम ये कहना चाहते हैं अपने बच्चों को उपजाऊ जमीन पानी सही दे करके जाए, हम बंजर भूमि ना दे करके जाए। आपका जो मिशन है इसका बहुत बहुत मैं जो है ना आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस बार अभी जो ताजा 1 जनवरी 20 का आंकड़ा आया है,